अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल अबाउट डेकोरेशन। मैं आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक मैं आपको बताती चलूँ कि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैक टू स्कूल डेकोरेशन आइडियाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि समर वेकेशन बिल्कुल एंड पे है, अब दोबारा स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, कुछ स्कूल ओपन हो चुके हैं, और स्टूडेंट्स जिनका माइंड बिल्कुल नहीं बन रहा कि वो इतनी मज़ेदार सी छुट्टियाँ गुजार कर दोबारा स्कूल की तरफ जाएँ, तो उनके लिए आपने स्कूल के एनवायरनमेंट को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे उनको जो है उनके माइंड को रिफ्रेश करना है और उनको दोबारा से कायल करना है कि वो अपने स्कूल को फ़न समझें और वहाँ पर वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तो ये जो वीडियो जिसमें आपके साथ जो डेकोरेशंस शेयर की जा रही हैं, ये बुलेटिन बोर्ड्स की भी हैं, ये वॉल डेकोरेशन भी हैं, इसके अलावा ये फ्रेम्स की भी हैं, और इसके अलावा ये डोर डेकोरेशन भी हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जिसकी मदद से आप अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं और बच्चों को बहुत ही खुश कर सकते हैं, बहुत ही अमेज कर सकते हैं। तो ये आपके साथ शेयर की जा रही हैं कुछ बुलेटिन बोर्ड्स की पिक्चर्स, जो कि आप अपने स्कूल में डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने बच्चों के क्लासरूम को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं, बहुत ही खुशी से वो अपने क्लासरूम को देखेंगे। एक तो उनको डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा, उनको कुछ चेंज लगेगा और वो दोबारा से अपने स्कूल की तरफ अब खुशी खुशी जो है वो आएंगे और अपने मूड को वो सेट करते हुए अपने लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ जाते रहेंगे। इसके अलावा बच्चे बहुत ही अमेज होते हैं, कलर्स को देखकर उनकी अट्रैक्शन बढ़ती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं। बच्चों के लिए बलून्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, इसलिए उनको भी अपने डेकोरेशन में यूज़ कीजिए। बच्चों को उन्हें फोड़ने का मौका दीजिए और बच्चों के साथ कुछ फ़न कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ही अमेजिंगली, बहुत ही खुशी खुशी जो है वो स्कूल आ सकें और अपने इन दिनों को, अपने जो स्टार्ट के दिन हैं छुट्टियों के बाद के, उनको बोरिंग ना समझे और बहुत ही खुशी से वो स्कूल आए, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, अपने टीचर्स को तंग ना करें और ख़ुद भी वो खुशी खुशी जो है वो स्कूल आए। इसके अलावा आप फ्रेम्स बना सकते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को खुश करने के लिए। और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उनके लिए कार्ड्स बनाइए आप, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दे दीजिए जिसको वो घर भी लेके जा सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ उन गिफ्ट्स को शेयर कर सकें और वो आप देखेंगे कि इस तरीके से बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुशी से स्कूल आएंगे, अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, दूसरों को खुशी खुशी घर वापस जाएंगे और अगले दिन भी वो खुशी से स्कूल आना पसंद करेंगे, अपने गिफ्ट्स को देखकर खुश होंगे और अपनी चीज़ों को वो जो है वो संभाल कर रखना भी सीखेंगे और अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अमेज होंगे। बच्चों में ये हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो अपनी चीज़ों की केयर करें, तो इन इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चों में ये आदत जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है डोर डेकोरेशन आइडियाज़। आप अपने डोर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। डोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहले इंसान की जो नज़र होती है वो उसी पर पड़ती है, डोर पे पड़ती है, और डोर अगर बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा तो बच्चे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करते होंगे, और अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं, स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी वीडियोज़ को, आप हमारी वीडियोज़ को जो है वो अपने स्कूल में जो है लाजमी इम्प्लीमेंट करते होंगे, इनमें से कुछ ना कुछ आइडियाज़ आप लेते होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, या आप किसी टॉपिक पर हम अपने लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम आपको बनाकर दे सकते हैं। फ्रेम्स का आइडिया भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए फ्रेम्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, इसमें आप बच्चों की पिक्स बना सकते हैं जिसकी मदद से जो है वो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। आप बच्चों के पेरेंट्स के साथ ये पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, बच्चे जब अपनी पिक्चर्स को घर में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स की पिक्चर को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और खुशी खुशी वो स्कूल आना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, आपके साथ मैंने कुछ फ्रेम्स की पिक्चर्स भी जो हैं वो शेयर की हैं, इनको इंप्लीमेंट कीजिए अपनी क्लास में और अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही अमेजिंग बनाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।